एक तो मजमूई तौर पर इस इंतखाब का जो नतीजा है, इसमें जो कुछ मरकजी हुकूमत ने किया और हमारे खिलाफ जो कुछ हुआ, उसके बारे में भी चीदा चीदा राय में सुनना चाहूँगा। और फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने जो किरदार अदा किया, उनके बारे में भी शिकायतें मैं सुनता हूँ। वो दो तीन किस्म की शिकायतें, एक शिकायत ये है कि जिन लोगों को हमने टिकट दिए थे उन टिकटों की खिलाफ वर्जी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने किए। एक शिकायत यह है कि हमारे लोगों ने, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने, अगरचे वो हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी, लेकिन वोट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उम्मीदवार को दिया है। यह भी शिकायत। कुछ लोग वो हैं जिन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वालों की मदद की है। ये दो तीन किस्म की शिकायत है जो जमात के बारे में है। हम चूंकि एक आजमाइश से दो चार हो गए हैं, इसलिए इस आजमाइश के वक्त में इन सब चीज़ों को पेश नज़र रखकर तय करना है कि हम क्या करें। जिन लोगों ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट याफ्ता उम्मीदवार के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, उनके बारे में मैंने बाशिर सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये कहा था और फैसला यही था मेरा कि उनकी रुकनियत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मुअत्तल कर दी है। और वो जनरल काउंसिल जो अब नई जनरल काउंसिल बनेगी इन सालाना इंतखाबात के बाद, वो जनरल काउंसिल हतमी तौर पर फैसला करेगी कि उनकी रुकनियत मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करनी है या आर्जी तौर पर ख़त्म करनी है, किसी वक्त के लिए ख़त्म करनी है, क्या करना है। ये फैसला जनरल काउंसिल ने करना है। मैंने मुजफ्फराबाद में और बाग में ये भी कहा है कि ज़िले की जो तंजीम है हमारी, इस वक्त बदकिस्मती से ज़िले की तंजीम सीनियर नायब सदर भी मौजूद नहीं है, जनरल सेक्रेटरी बीमार हैं और सदर जो है उसको निकाल दिया गया है जमात से, तो ज़िले की तंजीम थोड़ी सी मुश्किल में है। अब नई तंजीम मैं बनाना नहीं चाहता, इसलिए कि थोड़े अरसे में नई तंजीम खुद ब खुद बननी है। अगर आप लोग कहेंगे तो कोई दो तीन आदमियों को मैं नामजद कर दूंगा जो इस कमी को पूरा कर सकें, ये भी कर सकते हैं। लेकिन कहना ये था कि इसी दो महीने के अंदर आप लोग ज़िले की सतह पर जो चीदा चीदा कारकुन हैं, जो ज़िले के अहदेदार हैं, जो ज़िले की मजलिस आमला के रुकन हैं, वो लोग बैठकर ये देखें कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के किन कारकुनों ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वोट किया है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हिमायत नहीं। अवलन तो मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों ने ऐसा किया है वो मेहरबानी करके खुद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सतह से अलग हो जाए, ताकि हमें मालूम हो कि क्या तरह रफ्त बीच में जो है, क्योंकि जब सुनते हैं कि फ्राम राफत कर रहा है, फ्राम राफत कर तकलीफ होती है उससे कि आप मुनाफिकीन की जमात तो नहीं बना सकते। तो इसलिए पहली अच्छी बात तो यही है कि जो लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का साथ नहीं दे सके वो हरकत की है, वो खुद अलग हो जाए, और अगर वो चाहते हैं कि उनको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में बाकी रखा जाए तो वो लिख कर बताएं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। अगर वो बात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुन कबूल करेंगे तो कबूल करेंगे, अगर नहीं करेंगे
तो फिर उनको जमात से निकाल दिया जाए। आने वाले वक्त में जो आजमाइश, जिस आजमाइश से हम दो चार हैं, उसका तकाजा है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सही अकीदा लोगों पर मुश्तमिल, थोड़े लोग हों तब भी कोई हर्ज नहीं, बहुत लोग हों, लेकिन सही अकीदा लोग होने चाहिए जिनका सियासत पर सही अकीदा। तो ये भी मैं आप सब कारकुनों को कहना चाहता हूँ कि एक मरला ये भी है इस वक्त जो जिससे हमें जिससे दो चार हैं हम, और उससे आपकी राय, मैं फर्दन फर्दन राय चाहता हूँ, मगर राय का मतलब ये भी समझें कि राय देते वक्त अपने ज़ाती किसी पसंद नापसंद की बात ना करें कि मुझे एक आदमी पसंद है तो मैं उसके हक में राय दूँ, ना पसंद है तो मैं उसके खिलाफ राय दूँ, ये नहीं। ना सुनी सुनाई बातें मुझे पसंद, जो बातें किसी को पता हैं अगर उनके कहने की इस वक्त ज़रूरत है तो कहें, नहीं तो खामखा वक्त ज़ाय होगा और मुझे काम करना है और तंजीम करनी है जमात की। मेरे नज़दीक नंबर एक बात जमात की तंजीम है, और जमात की तंजीम में सही अकीदा खालिस जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी हैं उनको जमात की तंजीम में शामिल करना है। जमात की तंजीम में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, अगर ऐसे लोग कोई हैं तो वो खुद बहुत पीछे हो जाए कि साहब हम नहीं साथ दे सके, हम कमज़ोर थे, हमने बदयंती की, नालायकी की, या जो कुछ भी हुआ, वो अपनी बात बताकर पहली सफ़ों से हट के पीछे चले जाएं ताकि खालिस मुखलिस लोगों को और ज़रूरतमंद लोगों को काम करने का मौका मिले। हो सकता है हमारी ये आजमाइश लंबी हो जाए, ज़्यादा तकलीफ दे हो जाए, हो सकता है कि ये आजमाइश का वक्त थोड़ा हो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। फिर इसी तरह हमने कश्मीर की आज़ादी की तहरीक के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मुनज़्ज़म करना है कि अगर ये जमात मुनज़्ज़म होगी तो कश्मीर की आज़ादी की तहरीक पर अच्छा असर मुरत्तब होगा, यानी कम से कम उस तहरीक को ख़त्म करने के लिए जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत कोशिश करेगी उसके रास्ते में हम रुकावट पैदा कर सकते हैं। अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुनज़्ज़म नहीं होगी तो हम वो रुकावट पैदा नहीं कर सकें। इसी तरह मरकज़ी हुकूमत जो है पाकिस्तान की, उन्होंने आज़ाद कश्मीर में दखल देकर इंतहाई बदतरीन रिवायत कायम की है। उन्होंने वही रिवायत कायम की है, दोहराया है, जो मकबूजा कश्मीर में 40 साल से भारत की हुकूमत करती रही। हमारे लिए ये भी कारकुनों के लिए सोचने का मौका है कि हम मरकज़ी हुकूमत का कितना दखल कबूल करना चाहिए। जैसे कि मैंने अक्सर कहा है कि ये फैसला करना है कि हुकूमत साजी का हक आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों को है या इस्लामाबाद में बैठे हुए क्लर्कों और चपरासियों को उसका हक दिया जाए, ये फैसला भी सोच समझ के करना है। और जब फैसला कर लें तो इस पर चलने के लिए फिर लोगों को अपने अकीदे दुरुस्त करने चाहिए, और दुरुस्त अकीदे वाले लोगों को साथ लेकर मैं चलना चाहता हूँ। इस बारे में मेरी राय, आपकी राय जो मर्जी हो, अगर आपकी सबकी राय भी खिलाफ हो इसके, तो फिर भी मेरी राय यही है कि हम हुकूमत पाकिस्तान का गैर ज़रूरी दखल आज़ाद कश्मीर में हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का हक किसी और को नहीं दे सकते, वो फरिश्तों की हुकूमत हो, आसमान से आई हो, ज़मीन से आई हो, हुकूमत साजी का हक उस जगह के रहने वाले लोगों को है। पंजाब में रहने वाले लोगों को पंजाबों को हक है, सिंध में सिंधियों को हक है, फ्रंटियर में उनको हक है, मरकज़ में मरकज़ वालों को हक है, आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कश्मीर के लोगों का हक है कि वो हुकूमत साजी करें। तो ये तीन चार बातें हैं जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, और अपनी राय देते वक्त मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप इन्हीं बातों तक अपनी राय को महदूद रखें, क्योंकि होता ये है आम तौर पर कि राय हम पूछते हैं अमेरिका की तो बात रूस की चल पड़ती है, क्योंकि किसी ने रूस की रोटी खाई होती है, या वो इस सियासी सूरत हाल में जो तब्दीली हुई है उसके बाद आम तौर पर यही होता है कि जब किसी जमात को, फौज को नाकामी हो जाए तो उसका असर फिर देर तक रहता है। लेकिन ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है
कि इस वक्त जो हमें पसपाई हुई है, मैं इसको शिकस्त भी नहीं कहता, नाकामी भी नहीं कहता, मैं इसको महज पसपाई कहता हूं कि ये एक मोर्चा हमसे चला गया, 100 मोर्चों में से 10 मोर्चों में से एक मोर्चा चला गया, फिर वापस आ गया। ये जमात के कारकुनों का हौसला पस्त नहीं हुआ, हौसले शिकस्त नहीं हुए, इस बात के लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ बैठकर दो तीन चार घंटे बहुत तफसील से बातें सुनी हैं, ज़्यादातर तो वही बातें थी जो एक ने कही, दूसरे ने कही, तीसरे ने कही, चौथे ने कही, वही बातें थी ज़्यादातर। अलबत्ता ये कि हर शख्स अपना दिल का गुबार निकालना चाहता था, तो मैं भी बैठ के सुनता रहा कि अच्छी बात है, ये भी अच्छा होता है कि दिल में गुबार निकल जाए तो अच्छी बात है, फिर आदमी आराम से बैठता है। तो 3-4-5 बातें ज़्यादातर हुई हैं। एक बात ये हुई है कि इंतखाबात में हमें कामयाबी जो नहीं हुई, पसपाई हुई, उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या असबाब हैं, हमारे घर में क्या असबाब हैं, बाहर से क्या असबाब हैं। अगरचे बाहर के असबाब भी मौजूद हैं और घर के भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद असबाब का जायज़ा अपनी अपनी जगह लोगों को लेना चाहिए, कारकुनों को। और मैंने कहा है कि इन असबाब का जायज़ा लेने के लिए मेजर साहब की क़यादत में, मेजर साहब उस कमेटी के कमीशन के चेयरमैन हैं, इनकी क़यादत में इस बात का हम इंतज़ाम कर रहे हैं कि अपने कारकुनों से, जमात के लोगों से हालात मुहैया करें, दरियाफ़्त करें कि क्यों ये पसपाई हुई है, ताकि आने वाले वक्त में सियासत का तालिब इल्म जब जानना चाहे तो बजाय इसके कि गपशप पर गुजारा करें। क्योंकि अक्सर इतला जैसे मंजूर से कह रहा था कि बात चीज़ों की इतला सही नहीं होती, लेकिन उस तक वही इतला पहुंची होती है, वो उसी पर कायम रहता है। जब तक सारी इतलात इकट्ठी ना हो, सही बात का पता नहीं लगता। तो ये सब सही इतलात हम इकट्ठी करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आने वाले वक्त में हम भी वो गलतियाँ ना करें अगर हमें मौका मिले, और हमारे अलावा जो दूसरे लोग आएंगे, हमारे आने वाली नस्ल है, वो भी उन गलतियों को सबक सीख सके, इबरत हासिल करे कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ा एक तारीखी काम है जो हम कर रहे हैं खुदा के फज़ल करम से, और तमाम कारकुनों से मेरी इत्तला ये है कि वो जो कुछ उनके पास मालूमात है वो लिख कर या ज़ुबानी मेजर साहब तक पहुँचा दें, टेप रिकॉर्ड करके पहुँचा दें, वो कैसे सुन लेंगे, उससे वो मुरतब कर लेंगे, या लिख कर भेज। खुद इस तरह कहानियाँ नहीं, गप शप नहीं, जो चीज़ आप दोनों की थोड़ी सी तहकीक भी कर लें, ताकि पता लग जाए कि बात सही है। तो एक तो बात ये थी, बात सामने आई है, और इसमें दूसरा पहलू मरकजी हुकूमत की मुदाखलत का है। हकीकत यह है कि उन्होंने वो बिल्कुल वो बात की है कि दो पैसे की हंडिया गई और कुत्ते की जात पहचानी गई। उन्होंने जो मुदाखलत की है, बना उनका भी कुछ, लेकिन उन्होंने मुदाखलत करके अपना मुंह काला किया। उन्होंने बिल्कुल वही बात की है जो कश्मीर में हिंदुस्तानी हुकूमत 40 साल से करती रही है, और उसके बाद उसको जलील होना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा, कश्मीरियों ने इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया, और शेख अब्दुल्ला जो हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा मोरा था, आज उसकी कब्र पर पैरा लगा के बचाया हुआ है, लोग उसकी हड्डियां निकाल के बाहर फेंकना चाहते हैं, ये उसका नतीजा। वही बात हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ की है, और ये लोग जो आज झंडियाँ लहरा रहे हैं, दौड़ दौड़ के आगे हो रहे हैं झंडियाँ लहराने के लिए, और उस नशे में दौड़ कर यहाँ 4 आदमी मार दिए उन्होंने, गाड़ी टकरा कर मार दिए ये बाग में, चकार में, और इधर 8 आदमी वहाँ मार दिए, चरून में, चौथे में मार दिए। तो ये जो आगे बढ़ बढ़ के कर रहे हैं, वक्त आएगा और ज़्यादा दूर नहीं है वक्त, क्योंकि अगर उन कश्मीरियों ने 40 साल लगाकर जो बात हासिल की है, हमें 40 साल नहीं लगने चाहिए, हमें उनके तजर्बे से सबक सीखना चाहिए, हमें बहुत जल्द ये फैसला कर लेना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का हक इस्लामाबाद में बैठी हुई हुकूमत के क्लर्कों को है,
या आजाद कश्मीर के इन गैरतमंद लोगों को उसका हक, ये फैसला करना चाहिए। ये वो दूसरी बात है जिसके साथ हमें वास्ता पड़ा है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं आपको बता दूं, आप लोग नहीं जानते ज्यादा लोग, क्योंकि ये सबका काम नहीं है, जिसका काम है उसको ज्यादा पता होता है कि मैंने इन पूरे 40 सालों में जो मेरी सियासत की उम्र है, किसी एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि मरकजी हुकूमत के कहने पर मैं हुकूमत में गया हूं। मैं कभी नहीं गया, इलेक्शन लड़के गए हैं, जब भी गए हैं इंतखाबात के जरिए, और कश्मीरियों के इस हक पर मैंने कभी सौदा नहीं किया। तो हुकूमत साजी का हक रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को, आजाद कश्मीर के लोगों का है। और अगर मैंने आज सुबह भी सरदार इब्राहिम खान साहब से गुजारिश किया, उनको बताया, और उनको मुमताज हुसैन राठौर को भी बताया, परसों मुझे मिलने आए थे वहां, तो मैंने उनको बताया कि अगर ये हुकूमत पीपल्स पार्टी ने, आजाद कश्मीर की पीपल्स पार्टी ने खुद बनाई होती, मरकजी हुकूमत ने ना बनाई होती, उसके क्लर्कों ने ना बनाई होती, और हम बिल्कुल हार गए होते, तब भी मैं अपने हाथ से मुमताज हुसैन के गले में हार डालता, उसको सीने से लगाता, उसको मुबारक देता। लड़ाई के सरदार इब्राहिम खान आजम हों या मुमताज राठौर हों या सरदार सिकंदर हों या कोई और हो, मेरा झगड़ा इस बात पर नहीं है। ये हम भाइयों की तरह, कोई मुंतखब हो गया, सब भाई हैं, अजीज हैं। सरदार साहब का जिक्र आया तो मैं ये भी कह दूं कि सरदार साहब के साथ, सरदार साहब ने हमारे साथ भी ज्यादती करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये कि उनके साथ बहुत ज्यादती की और उनको बहुत खराब किया। और मैं कहता था बार बार कि सरदार साहब ये आपको खराब करेंगे। मैंने पंगोले में कहा, रावलकोट में कहा, परंदी में कहा, जगह जगह कहा कि सरदार साहब आप और मैं ये बाल सफेद लेकर हम लड़कियों के साथ बैठेंगे अच्छे नहीं लगे। वक्त होता है तो बातें अच्छी लगती हैं, वक्त छूट गया तो नहीं अच्छा लगता। तो आपको खराब करेंगे ये, आप न बैठे इनके साथ। लेकिन मुझे नहीं पता कि उनकी क्या मजबूरी थी, वो उनके साथ बैठे रहे और फिर बैठे नहीं रहे। मुझे इस बात का ज्यादा हिदत से मुझे एहसास है, वो ये है कि इस सारे 10-11 साल के अरसे में ज़ियाउल हक़ साहब के माशाल्लाह के जमाने में कोई आदमी आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी सिर्फ सरदार इब्राहिम खान का नाम था, सिर्फ सरदार इब्राहिम खान के नाम से पीपल्स पार्टी चलती थी। बाकी लोग अंदर बैठकर कमरे में डर के मारे बात करते थे, बाहर नहीं निकल सकते। सरदार इब्राहिम खुले बंदूक जलसे करते थे, मीटिंगें करते, उनकी वजह से कायम रही। और आज जब हुकूमत साजी का वक्त आया तो जिस बुरे तरीके से उनको उन्होंने रद्द किया है, अगर रोजे अब उनको बता देते, पहले दिन कह देते थे हमने आपको नहीं बनाना है, उधर हुकूमत सारी बना के सरदार इब्राहिम खान को कहते हैं जी आप पार्लियामेंट के मेंबरों से जरा बात कर ले, मेंबर तुमने सारे बनाए, इब्राहिम खान कैसे बात करें। तो इस तरह उनको उन्होंने खराब किया, इसके मुझे अफसोस है। लेकिन इसके बाद भी मैं ये समझता हूँ, मैंने सरदार साहब को चंद दिन पहले कहा, लोगों को मुझसे शिकायत है जमात के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो बड़े 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 सख्त कारकुन हैं, उनको मुझसे ये शिकायत है कि ये इब्राहिम खान के बारे में इसके दिल में हमदर्दी है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ये कल फिर मिल जाएंगे तो हम किधर जाएंगे। ये शिकायत भी लोग करते हैं, ये मिलने मिलाने की बात नहीं है, हमदर्दी का जज्बा अपनी जगह, वो अपनी जगह है। लेकिन मैंने सरदार इब्राहिम खान साहब की सियासत के साथ कभी इत्तफाक नहीं किया, उनकी सियासत अपनी है, मेरी सियासत अपनी है। मैं एक उसूली सियासतदान हूँ, मैं उसूलों पर कभी सौदा नहीं करता, गर्दन कट जाए इधर से उधर हो जाए, मेरा मेरी मिंटिंग करता था, इनका तो नाम ही नहीं सुनना चाहता था सरदार इब्राहिम खान साहब, मेरी मिंटिंग करता था। एक दफा इनको भाई का, मुझे उनकी सियासत से कोई दखल नहीं है, ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये मैंने सरदार साहब से कहा, सरदार साहब अब किस उम्र में आप और मैं, हमने अब अपनी जिंदगी के कितने दिन बाकी है, लेकिन हमें मरने से पहले ये इत्मीनान कर लेना चाहिए कि हम अपने लोगों की गैरत का कोई सौदा तो नहीं करके मर रहे हैं, कि आने वाली नस्लें हमें बुरा कहेंगी, शेख अब्दुल्ला की तरह आज जो उसका हशर है वही हमारा हशर भी होगा। इसलिए हमें ऐसी बात करनी चाहिए जो आने वाली नस्लें जिस पर फख्र कर सके, आने वाली नस्लें जिसका साथ दे सके। ये मैंने उनको भी कहा, आज भी सुबह बात करते हुए थोड़ी सी बात उनके साथ हुई,
दस्तूर के साथ तो बड़ी ज्यादती उन लोगों ने की है, और अब देखें कि वो उनका अपना मामला है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ आपसे कि अगर सरदार इब्राहिम खान साहब आज़ाद कश्मीर के लोगों का हुकूमत बनाने का हक हासिल करना चाहें, इस बात का इरादा करें, इस बात पर कायम रहें कि हक हुकूमत साजी का मिलना चाहिए, आज़ाद कश्मीर के लोगों को मिलना चाहिए, तो इसमें इंशाल्लाह उनको हम उनसे आगे होंगे, पीछे नहीं होंगे। दूसरी बात ये थी जो मैं आपसे कह रहा था कि हमारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, आपका भी, आपके लिए भी जरूरी है। मेरी बात याद रखो कि इस नुक्ते पर समझौता नहीं होना चाहिए, हम लोग रहे ना रहे, लेकिन इस नुक्ते पर मैं नौजवानों से कहता हूं कि नौजवानों, तुम्हारी गैरत का तकाजा यह है कि हजार वजारतें मिल रही हूं, हजार सदारतें मिल रही हूं, लेकिन अपने लोगों की गैरत पर सौदा नहीं करना, कभी नहीं करना। ये वजारतें और सदारतें सब हमारे पास आएंगी, कहीं नहीं जा सकते। हमारे पास आज हुकूमत नहीं है, लेकिन सियासी इकतदार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास है, आज भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास है। ये जो 26 मिनिस्टर बना रहे हैं, ये क्या मिनिस्टरों की मोहब्बत की वजह से बना रहे हैं, ये हमारे डर की वजह से बना रहे हैं, ये हमारा डर है। इसका मतलब ये है कि सियासी इकतदार हमारे पास है, हुकूमत बेशक उनके पास, हुकूमत हयात खान के पास भी थी, लेकिन सियासी इकतदार हमारे पास है। तो इसलिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और सियासी इकतदार यही है कि हम जिन असूलों पर खड़े हैं, उन असूलों पर खड़े हैं, उन पर कोई सौदा नहीं हमने उन्हें दिया। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों, अल्लाह ताला का करम है, आज तो इतने कारकुन यहाँ जमा हैं, यहाँ रावलकोट में और बाग में, मुजफ्फराबाद में, छोटी में, किसी कहीं जगह हम लोग गुजरते थे तो एक आध आदमी कहीं मुश्किल से हमें मिलता था, फिर भी हमने उस तहरीक को, उस झंडे को बुलंद रखा, और अल्लाह ने किया कि सब लोग फिर उसके सब उसमें शामिल हो गए। तो आपसे मैं कहता हूँ कि आज अल्लाह का करम है, जवान लोग हैं, और ये जो बाज़ लोग एतराज़ करते हैं हमारे कारकुन, कई दफ़ा कहते हैं कि सब आपने जिसको बनाया उसने डसा, उसने धोखा दिया, ये सारा अजल से ही चला आया है, ये मेरा ही कोई किया हुआ नहीं है, ये अजल से ऐसे ही चला आया। अब मैं दिलों का हाल तो नहीं जानता, मैं कोई कुन फया कुन तो नहीं कर सकता। अब जो लोग हमारे साथ देते हैं, चलते हैं, किसी आजमाइश में खड़े रहते हैं, दूसरी आजमाइश में लेट जाते हैं, अब इसका हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या पता है कि कौन सी आजमाइश में हमारे साथ आदमी खड़ा रहेगा, कौन सी में लेट जाएगा। इसलिए जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, हाँ, हमने जानबूझ के किसी मुनाफिक को, किसी गलत आदमी को, उसको उसकी इमदाद नहीं की, लेकिन जो लोग हमारे साथ रहे हैं, बड़े अरसे से रहे हैं, अब उनको जाहिर है कि जब तक किसी आजमाइश से दो चार नहीं हुए, उस वक्त तक हम उनको क्या कह सकते हैं। मैं अपनी जमात के कारकुनों से ये कहना चाहता हूँ कि दूसरों पर एतराज़ करने की बजाय आप मेहरबानी करके अपनी फिक्र करें, ये बात मेरी याद रखें, दूसरों पर एतराज़ करके आजमाइश में फंस जाओगे। जो दूसरों को कहता है कि वो आजमाइश में नहीं खड़ा रहा, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जब वक्त आएगा तो ये कहने वाला भी नहीं खड़ा रह सकेगा। मैंने सैयदना हुसैन के साथियों को तारीख में देखा है, उनसे बड़े लोग पैदा ही नहीं, जो कायनात ने किए हैं रसूल सल्लम के बाद, सहाबा के बाद सबसे बड़े लोग थे, लेकिन नहीं खड़े रह सके एक आजमाइश। ऐसी आजमाइश का वक्त आ जाता है, आजमाइशों को दावत मत दिया करो, आप उसको छोड़ो। हाँ, हमारी कोई बदयंती हो, अगर आप ये समझते हैं कि हमें से किसी ने बदयंती की है, उसकी जरूर निशानदेही करनी चाहिए, लेकिन यह कि फितरत इंसानी है। अभी जो हमारे लोग मुंतखब हुए हैं पार्लियामेंट के मेंबर असेंबली के, तीन दफ़ा मैंने उनको बुलाया मुजफ्फराबाद में, हर दफ़ा मैंने उन्हें कहा कि तुम में से जो कमज़ोर है, जो नहीं हमारा साथ दे सकता, मेरी तरफ से उसको छुट्टी है, उसको इजाज़त है, कानून को मैं मनसूख कर दूंगा उसमें उनके लिए, वो चले जाएं, बेशक पीपल्स पार्टी के साथ चले जाएं, जहां मर्जी है चले जाएं, हम उनसे कोई गिला भी नहीं करेंगे, शिकवा भी नहीं करेंगे। मैंने कहा तुम ये समझो कि मैंने बत्ती बुझा दी है, अंधेरे में जो जाना चाहता है चला जाए। सरदार सिकंदर ने मुझे कहा कि तुम ये क्यों कहते हो, ये क्यों जाए, टिकट पर मुंतखब हुए हैं, इनकी ऐसी तैसी क्यों जाए कोई हमारे टिकट पर मुंतखब हो। मैंने कहा नहीं, मैं फितरत इंसानी को जानता हूँ, इंसानी कमजोरी से वाकिफ।
मैं कमजोर इंसान को लड़ाई के लिए मुकल्लफ नहीं कर सकता कि वो जरूर लड़ेगा। एक आदमी नहीं लड़ सकता तो हम क्या करें उसको बताए। मुनाफिक अलबत्ता कुछ लोग मुनाफिकत करते हैं मगर वो छुप नहीं सकते, वो जाहिर हो जाते हैं। जब तक छुपे रहते हैं इसलिए लोगों ने कमजोरी का मुजाहरा किया है, मुनाफिकत का मुजाहरा हमारे साथ कम किया है। ये मैं आपको बता दूं, मैं जानता हूं कारकुनों को जिन्होंने किया है, मैं एक एक को जानता हूं। उन्होंने कमजोरी का मुजाहरा किया है, गुस्दिली का मुजाहरा किया है, अपने जाती ख्यालात को जमात के ऊपर समझा है, ये बड़ा नक्स हुआ और उस वजह से जमात के सफ़ों में ये कमी वाक़ हुई। मगर अल्लाह ताला का हाथ जमात के हाथ पर है। अगर हम सच्चे हैं, नेक नीयत हैं, खुदा उसके रसूल के मानने वाले हैं तो फिर अल्लाह ताला का हाथ हमारी जमात पर है, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं। जो हमसे गया, बड़े बड़े लोग चले गए, सरदार महंग हमसे बड़ा कौन था हमारी सफ़ों में, मुझे सब चले गए जिंदा रहे, और लोग चले गए, कई लोग चले गए, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सफ़ों में कोई कमी नहीं आई। अल्लाह के फज़ल करम से चंद लोग और चले गए हैं तो बड़े शौक से चले जाएँ। मेरी ख्वाहिश ये थी कि आप लोग जिले में बैठ कर इन लोगों का, वो जिसका जिक्र हमीद ने किया, एडवोकेट ने, जिले के अंदर बैठकर जिले की मजलिस मुनक़द करें और मुंतखब लोगों की मजलिस मुनक़द हो, जो वर्किंग कमेटी के मेंबर हों जिले के, जब मुंतखब हो जाए तो आप इसका बैठकर, उससे पहले भी बैठकर आप इसका मुआसला कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई आदमी अपनी गलती को मान भी लेता है, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, मौलाना मुफ्ती महमूद मरहूम ने मुझे ये बात सुनाई, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया था, पाकिस्तान बन गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि वहाँ से देवबंद से जो उनके अकाबर थे, बड़े थे, उन्होंने खत भेजा पाकिस्तान में उन उलमा के नाम जो उस वक्त कांग्रेस के साथ ताल्लुक रखते थे, पाकिस्तान में आ गए थे, वो खत भेजा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बन गया है, अब वो बात ख़त्म हो गई, और लेकिन तुम लोगों ने चूंकि पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था इसलिए हमारा मशवरा ये है कि तुम अगली सफ़ों में मत बैठो, तुम पिछली सफ़ों में बैठो। ऐसा हकीमाना मशवरा उन्होंने दिया। जो लोग हमारा साथ नहीं दे सके, जो मुनाफिकत कर रहे हैं, वो तो और बात, इसलिए कि ऐसे लोगों का भी नाम यहाँ लिया गया, रात को महफिल में लिया गया कि फला फला लोग हैं जी जो मुसलसल कहते हैं 40 साल से मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी है और एक मरतबा इंतखाब में उन्होंने वोट हमें नहीं दिया, कॉन्फ्रेंसी ने, मगर ये इख्तियार आपके पास। मैंने अपनी तरफ से सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हैसियत से और मेरी वर्किंग कमेटी ने उसकी तौसीफ की, उन लोगों को जमात से निकाल दिया है जिन्होंने टिकट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। हमने यहाँ सदा सुलेमान खान वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हिमायत करते रहे, मैंने उनको वर्किंग कमेटी से निकाल दिया। हमारे एक और बेग साहब पिंडी में थे, 40 साल मुझसे भी पुराने कारकुन हैं, लेकिन उनको भी निकाल दिया वर्किंग कमेटी। हमने किसी का लिहाज नहीं किया, छुपे हुए लोग, और आप लोग भी गजब ये करते हैं कि शिकायत तो करते हैं लेकिन लिहाज भी करते हैं कि फलां नाराज हो जाएगा, हमने उसका नाम दिया, लेकिन सारी नाराजगी मेरे ही खाते में क्यों है, तुम भी लो ना नाराजगी। कोई नाराज होता है तो होता रहे, सच्ची बात करो कि साहब ये फलां आदमी ने वोट नहीं दिया, और उनको अवल तो मैं इस मजलिस में कहता हूँ कि वो वैसे ही जमात से अलग हो जाए, छोड़ दें जमात, और नहीं तो जो जमात की तंजीम बन रही है उनको मैं कहूँगा कि वो ऐसे लोगों को निकाल दें जमात से, उनको तंजीम में कोई अहदा ना दें, और मेरे पास सिफारिश करें, मैं उनकी रुकनीत जो है वो जितने साल के लिए आप सिफारिश करेंगे उतने साल के लिए उनकी रुकनीत को मुअत्तल कर दूंगा ताकि वो आराम से बैठे। मैंने अपनी आंखों से आपको देखा इलेक्शन कैंपेन में 4 सीट, नहीं वो नहीं, वो चार सीट देना, मैं जवाब दूंगा 4 सीट भी दूंगा, 4 सीट भी दूंगा, वोट कौन की अमानत, जमात की अमानत, 4 सीट देंगे और सबको 4 सीट देंगे, क्योंकि एक को नहीं, ये मौका सबको दें, हम बगैर सुने किसी को। सर दस मैंने रुकनियत मुअत्तल की हुई है उन लोगों, जिन लोगों ने कि हमारा साथ नहीं दिया और हमारी मुखालफत की, 4 सीट दे कर ये तीसरी बात ये थी। चौथी बात ये है कि इस सारी कार्रवाई का आज मकसूद जो है
वो जमात की तंजीम, कि जमात की तंजीम के लिए दो तीन महीने बीच में रह गए। इन तीन महीनों में जमात की तंजीम करनी है, क्योंकि दो साल हमारे पूरे हो रहे हैं। अब हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ इस वक्त जो है, सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी, जमात की असर नो तंजीम। इसलिए आपको तकलीफ दी थी, सब कारकुनों को सब जगह, ये जो कुछ हुआ पाँच साल में उसका अलहदा हिसाब करेंगे, लेकिन इस वक्त जमात की तंजीम ज़रूरी है। मसलन आप ये चाहते हैं कि इंतखाब में धांधली हुई है उसका अजाला किया जाए, आप ये चाहते हैं कि मरकज़ ने मुदाखलत की है उसका अजाला किया जाए, और कई बातें हैं उनका अजाला किया जाए, तो उसके अजाले का तरीका जो है वो जमात की तंजीम के ज़रिए, तरीका और कोई नहीं, कोई जलसा जुलूस करके हंगामा करके उसका तरीका नहीं। हम लोग सियासत पर अपने मुल्क के अंदर हम हथियार नहीं उठा सकते एक दूसरे पर, ये जिस तरह क्लैशन को फिर तकसीम किए पीपल्स पार्टी वालों ने, ये हम नहीं कर सकते। हम अपने लोगों पर नहीं हथियार उठा सकते, और हथियार के जरिए फैसले देर तक नहीं रहते आजकल दुनिया में। आज अफगानिस्तान में 8 साल जंग लड़ने के बाद फिर सियासी फैसला तलाश कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर याद हो रहा है वहाँ भी सियासी फैसला तलाश कर रहे हैं। तो इसलिए अपने अंदर हमने सियासी तौर पर इन तमाम बातों का अजाला करना है, और वो अजाले का तरीका जमात की तंजीम है। वो सब कॉन्फ्रेंस मजबूत होगी, आप यकीन कर लें इस बात पर जो मैं आपसे कहता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मुनज़्ज़म करें, कश्मीर का फैसला हो या कोई और फैसला हो, हुकूमत पाकिस्तान की जान नहीं है कि हमारे ऊपर से गुजर कर कोई फैसला हमारी मर्जी के खिलाफ कर। लेकिन ये आपने वो तंजीम मुहैया करनी है कि जिसके दबाव से, जिसके जोर से ये बात हो। आज कश्मीर की आज़ादी की बात मुमताज़ हुसैन राठौर कर रहे हैं, अगर वो आज कह रहे हैं कि इस्लामी कानून हम ले आएंगे, बढ़कर यह है कि हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तंजीम करें, और इंशाअल्लाह वो हक वापस लें, आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी का हक वापस लें, ये उस तंजीम के जरिए हो सकता है। अब तंजीम करने के लिए कुछ तजावीज यहाँ दोस्तों ने दी हैं, उसके लिए मैं हिदायत दे रहा हूँ। एक बात जो बहुत जरूरी है, तजवीज़ ये की बात दोस्तों ने की है कि कोई कमेटी बनाई जाए, ज़िले की तंजीम तोड़ दी जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़िले की तंजीम तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल शक्ति हमारे अगरचे बीमार हैं मगर वो यहाँ मीटिंग में भी मौजूद हैं, हमारे बहुत अच्छे काबिल एतमाद और सही काम करने वाले जल शक्ति इत्तेफाक से बीमार हो गए, सदर हमारा चला गया है और कुछ और कारकुन चले गए, तो इसलिए और सीनियर नायब सदर भी हमारा बिल्कुल सही सलामत है, सरदार मुस्तफ़ा वो बीमार है, पिंडी में आ नहीं सके किसी वजह से, तो इसलिए तंजीम तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो नहीं है उसकी जगह मैं आरफ खान को नामजद कर देता हूँ, ताकि अच्छे में ये जो दरमियानी वक्त है इसमें वो खिलाफ पूरा हो जाए, और उनको हिदायत दे दूँगा मैं सेक्रेटरी जनरल को बैठा के, और जो असम्बली के हमारे उम्मीदवार लोग थे कामयाब हुए हैं या नाकाम हुए हैं उनको भी हिदायत बाग में मैंने दे दी है, जहाँ भी मैं दे जाऊँगा, कि हर हलके के लिए हमने एक ख़ास तादाद में रुकनियत के फॉर्म भेजे हैं, हर हलके में एक ख़ास तादाद में रुकनियत के फॉर्म भेजे हैं, वो फॉर्म तकसीम करने हैं, और तकसीम इस तरह करने हैं कि जो हमारा सीनियर कारकुन है, मसलन यहाँ मेजर साहब हैं या चौधरी अजीज़ हैं, नजीब हैं, मलक तुफैल हैं, आरफ हैं, और लोग हैं जहाँ जहाँ हमारे सीनियर कारकुन मौजूद हैं, वो अपने हाथ से जाकर रुकन साजी करें, पैगाम भेज कर नहीं करें। आप खालिद हैं और लोग हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं, कोई एक साथी नहीं है, जहाँ जहाँ हमारे साथी हैं वो, और ये काम इन्होंने पहले किया नहीं, अगर ये करते, इन्होंने घरों में रखी हुई थी और पोस्टर हम पे
पहचते थे तो उनको अच्छा लगता था, अपने घर में रख देते थे, उसको बाहर नहीं लगाते थे, तो उस वजह से तंजीम नहीं हो सकती। अब एक एक घर में जाकर लोगों को रुकन बनाना है। आजाद कश्मीर में कोई 5,000 के करीब पोलिंग स्टेशन है, 5,000 के करीब, छोटे से 6,000 है कुल, 1,000 के करीब होंगे पाकिस्तान में, और आजाद कश्मीर में तो 5,000 के करीब। अगर हर पोलिंग स्टेशन पर 10 कारकुन ये पर्ची काट दें तो ये 50,000 कारकुन बन जाता है। 50,000 कारकुन जिस जमात के पास हो वो उस जमात को कोई दस्त दे सकता है, मैदान को बनाएगा। 10 कारकुन भी अगर नहीं बना सकते हो हमारे, और जहाँ जिसने जितने वोट लिए, रावलपिंडी में 6,000 वोट लिए हैं आरफ ने, और आरफ को बहुत अफसोस है कि हमने 2 महीने पहले आरफ को नहीं बताया, वरना उसका दावा तो ये है कि ये सीट ही ले लेता वो जीत का। और कोई शक नहीं है कि जो आदमी ये सीट तो हमने खैरात में दे दी आरफ खान को, तो हम शुक्रगुजार हैं आरफ खान के कि उसे उस वक्त ये टिकट लिया, उस वक्त टिकट लेने की पोजीशन में कोई नहीं। लेकिन अगर वो 6,000 वोट एक महीने की 20 दिन की मेहनत से ले सकता है तो यकीनन उसको 2-3 महीने होते तो वो इससे दुगने वोट ले रहे। अगर 4,000 वोट 2,000 वोट उसको और मिल जाते तो वो सीट जीत जाती। और 2,000 वोट नहीं जी, कोई खरीदो फोक का असर नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन उसको वक्त नहीं मिला। तो इसलिए अगर यही इसी तरह जो वोट हमने लिए हैं, अगर इतनी रुकन साजी हमारे MLA हजरात दौड़ दूर करके करें तो कोई जमात अल्लाह के फजल करम से आपका मुकाबला नहीं कर सकती। वोटों के लिहाज से आजाद कश्मीर में आज भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंसियों के वोट जीतने वालों से ज्यादा है, वोटों की तादाद आज भी ज्यादा है, हर जगह हिसाब करके देख लें ज्यादा है। जाली वोट जो डाले वो भी मिला के शामिल कर लें फिर भी ज्यादा हमारे वोट। तो इसलिए रुकन साजी शुरू करें और ये आजकल से शुरू करें और अगस्त के आखिरी हफ्ते में ये मुकम्मल हो जानी चाहिए, कमेटियां बन जानी चाहिए। और वो कमेटियां हल्का कमेटी, जो बुनियादी कमेटी है, फिर हल्के की कमेटी और फिर जिले की कमेटी। मुझसे ये शिकायत नहीं करना कि जी आपने फलां आदमी को 10 साल तक अंबर बैठाए रखा, ये आपका काम है। ये मेरा गिरा आपके साथ होगा कि आपने गलत काम किया। आप सही आदमी मुंतखब करें, इंतखाब के लिए सही आदमी लाएं, फिर ताकि अगर गिला हो तो आपके साथ हो, मेरे साथ रहो। मैंने किसी को ऊपर से नहीं आके बैठाना है कि फलां आदमी को मुंतखब करें, या आपने करना है। जब ये जिले मुकम्मल हो जाएंगे तो सितंबर में फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मरकजी इंतखाब शुरू होगा, वो सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा, जो जो हम तैयार हो जाएंगे उसके मुताबिक होगा। अगर रुकन साजी की पर्चियां कम हैं दोस्तों के पास, हमें इतला करेंगे तो वो मजीद हम मुहैया कर देंगे। और किसी एक कोने से शुरू करें, यूनियन काउंसिल में जितने वार्ड हैं हर वार्ड में लोग जाएं और हफ्ता 10 दिन लगाएं। ये बात मैं सब कारकुनों से कहता हूँ कि जलसों में तकरीरों में सब कहते हैं कि जान कुर्बान है, माल कुर्बान है, लेकिन जब कभी तंजीम करने का वक्त आता है तो मिलता कोई नहीं। तो जान माल को मैं क्या करूं, सच्ची बात जान माल बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उसको सलामत रखे, लेकिन जो हफ्ता है एक हफ्ता चाहिए हमें 2 साल में एक हफ्ता अगर कारकुन अपने घर से बाहर नहीं निकलते, और सीनियर कारकुन, ये नहीं कि किसी को दे के भेज दिया, पास से पैसे दे दिए और पर्चियां काट के भेज दी, ये नहीं करना है, हमारे साथ धोखा नहीं करना, फ्रॉड नहीं करना। सीनियर कारकुन जाएं और जाके वहाँ बैठ के रुकन साजी करें, अपने दस्तखत उस पर करें ताकि हमें मालूम हो कि किस कारकुन ने कितनी रुकन साजी की। इस तरह हम इस जमात की इस वक्त तंजीम जो है उसको मुकम्मल करना चाहते हैं। सर इसी तरह MSF और यूथ की बात आई थी, MSF को और यूथ को हम हर सतह पर, ज़िले की सतह पर, मरकज की सतह पर, हर सतह पर उनको नुमाइंदगी देंगे ताकि सब मिलकर ये सारा काम करें। और यूथ और MSF का मतलब ये है, ये भी आप समझ लें, MSF इसलिए है कि तालीमी अदारों के अंदर जो सही फिक्र है, सही सोच है, उसकी नुमाइंदगी करें।
غلط سوچ کا مقابلہ کریں. جب تعلیمی اداروں سے نکل آئیں تو پھر وہ یوتھ میں چلے جائیں, پھر یوتھ میں رہ کر وہ جو سیاسی کام ہے وہ کریں, وہاں سے پھر مسلم کانفرنس میں, کیونکہ ان کو ٹریننگ مسلم ایم ایس ایف, وہاں سے یوتھ, یوتھ سے پھر مسلم کانفرنس, تاکہ ان کو اس عرصے میں ٹریننگ ہو جائے. یہ سیاست کا کام ایسا نہیں ہے, خاص کر مسلم کانفرنس کی سیاست کا کام ایسا نہیں ہے کہ ایک دم شروع کرے آدمی اور کامیابی تک پہنچے, اس کے لیے بڑا وقت لگتا ہے. تو یہ ٹریننگ کے لیے یہ درجہ بدرجہ ہم نے رکھا ہے تاکہ یہ, اور اس میں آپ لوگ نوجوان طالب علم دلچسپی لیں, حصہ لیں. پھر اس کے علاوہ کسی, یہ جو پروگرام ہے, ایک بات شمالی علاقہ جات کی آئی ہے, چند باتیں میں آپ کی اجازت سے, قراردادیں ہم لکھ نہیں سکے لیکن چند باتیں آپ کی اجازت سے قرارداد کی شکل میں ہم لوگ پیش کر دیں گے. اس میں ایک شمالی علاقہ جات ہے, اس کو کسی صورت ریاست جموں کشمیر سے علیحدہ نہیں کیا جانا چاہیے. جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کی مذمت کریں گے, اسی طرح کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی مذمت کریں گے قرارداد کے ذریعے, اسی طرح مرکزی حکومت نے جو مداخلت کی اس کی مذمت کریں گے, جو انتخاب میں ملازموں نے دھاندلی کی ہے اس کی مذمت کریں گے. یہ چار پانچ باتیں ہیں جو اس درمیان میں آ جائیں گی, اور اسی طرح چرون میں جو قتل ہوئے ہیں ان کی مذمت کریں گے, اور اس پر دباؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ایک شخص جو وزیر اعظم اس کو بنایا جا رہا ہے اس کی مرضی سے اور اس کی سازش کے ذریعے 8 آدمیوں کو قتل کیا گیا, اور ایک منٹ کے اندر ان کو اور ان کی لاشوں کے ساتھ جو فوجیوں نے آ کے ان کی لاشیں وہاں سے نکالی ہیں, آخر اس ملک کے شہری ہیں, اور اگر اس کو روکیں گے نہیں ہم تو پھر کل جہاں کہیں قتل ہوں گے اسی طرح پھر حکومت کروائے گی قتل, اور اس کا مداوع کرنے کے بجائے ان کے وارثوں کو اور رشتہ داروں کو مزید وہاں تنگ کیا جا رہا ہے. تو اسی طرح آزادی کی تحریک کے ساتھ یکجہتی کی قرارداد کرنا ہے, اسی ایک قرارداد میں شامل کرنا ہے, اور جو انتقامی کاروائیاں آزاد کشمیر میں شروع کر دی ہیں ملازموں کے خلاف, لوگوں کے خلاف, ابھی وہ زکات کی کونسلیں توڑ دی ہیں اور یہاں درجوں کے لوگ حساب سے لوگ یہاں وہ لے کر آئے ہیں کہ تو اس سب کی مذمت کرنا ہے. میں اس پروگرام کے بارے میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ابھی ہر حلقے میں سردست ہم 25 سے 30 کاپیاں دے رہے ہیں, ہمارے پاس زیادہ ابھی ہے نہیں لیکن جتنی ہیں وہ اتنی ہم دے رہے ہیں, ضرورت پڑیں گی تو اور بھی ہم دیں گے. یعنی اگر 30 کاپیاں ہر حلقے میں دیں تو یہ 3000 ممبر, ایک یونین کاؤنسل کے لیے 4 ہو جاتی ہے, تو یہ 3000 بنتے ہیں. حالانکہ جتنے ہم نے ووٹ دیے کم از کم اتنی رکن سازی تو ہونی چاہیے, تو اس مزید ضرورت پڑے گی وہ دیں گے. اب اس کے بعد یہ پروگرام جو ہم مکمل کر چکیں گے تو 13 تاریخ کو, آج 10 ہو گئی ہے, 13 تاریخ کو یوم شہداء کشمیر ہے. آج پھر وہ کشمیر میں وہی ہنگامہ برپا ہے جو 13 تاریخ کو 1931 میں ہوا تھا, یہاں جولائی کو, اس کے ساتھ اپنی یکجہتی کا, یعنی مسلم کانفرنس کی زندگی کا, اس کے وجود کا اور اس کے نظریے کا ثبوت مہیا کرنا ہے کہ 13 جولائی کو جگہ جگہ میٹنگیں کر کے کارکن تو اس کو 13 جولائی منائے. 13 جولائی کے بعد پھر 19 جولائی آتا ہے جس میں یوم الحاق پاکستان ہے, وہ اپنی اپنی جگہ بھی کارکن میٹنگیں کر لیں, لیکن جو لوگ آسانی کے ساتھ مظفر آباد آ سکتے ہیں 19 جولائی کو اپنے ذرائع سے ان کارکنوں سے کہتا ہوں کہ وہ مظفر آباد بھی آ جائیں. پھر 19 جولائی کے بعد پھر 14 اگست ہے, اس طرح کئی دن درمیان میں آتے ہیں, اور 17 اگست کو پھر ضیاء الحق صاحب کی برسی ہے, اگر ذوالفقار علی بھٹو کی برسی, ذوالفقار علی بھٹو جس کا آزاد کشمیر میں کوئی خوشگوار یاد نہیں ہے, ان کی جو چھوڑی ہے انہوں نے, اگر اس کی برسی منائی جا سکتی ہے سرکاری طور پر تو ضیاء الحق جو شہید کشمیر ہے اور شہید افغانستان ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی برسی منائی جائے اور پورے شد و مد کے ساتھ منائی جائے, اپنی اپنی جگہ بھی منائی جائے اور مرکزی جو انتظام ہے اس میں بھی. تو یہ چند اس پروگرام کے چند حصے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. جو یہ کئی 3 اگست ہے, 26 ہے, 27 ہے, کئی دن ہیں جو اب اشتہار آتے رہیں گے, خبریں آتی رہیں گی, ان میں آپ کریں گے اپنی اپنی جگہ.
बस ये थी तकरीबन सारी कार्रवाई जो इस वक्त करना थी। आप हजरात अब अपने अपनी जगह जाएंगे, यहाँ आरफ खान को सपोर्ट कर देंगे, ये सारा काम अपने अपने हलकों में तकसीम करेंगे। यहाँ रावलकोट प्रॉपर के लिए अलग तंजीम कायम होगी, उनको अलग वो सपोर्ट किया जाएगा। और तवक्को मैं आप ये करता हूँ कि आइंदा हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरी मेहनत करके कोशिश करके इस तंजीम को मुकम्मल करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह जो बात हम करना चाहते हैं वो सारी पूरी हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको मुझे हम सबको इसी तौर पर अदा करता है।